नमस्कार किसान बंधु, मैं हूं सिंगर राजू राजा यादव। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल भोजपुरिया बिहारी ब्लॉग पे। जैसा कि देख रहे हैं, आज अपना महिंद्रा DI 475 को सर्विसिंग करने का सोच रहा हूं, और मेरे पास है वैक्स पूल इंजन फ्लस, जिसका प्राइस है 350। और इसका का क्या है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, और क्या इसका प्रोसेस है यूज करने का वो देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपना मनकु थ्रेसर के साथ महिंद्रा 475 DI काम के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों, जब भी थ्रेसरिंग करें एक बार सर्विसिंग ज़रूर करें। आज पहले सबसे जानेंगे इंजन फ्लक्स के बारे में। इंजन फ्लक्स से दोस्त हम लोगों का गाड़ी का जो भी इंजन का ब्लॉकेज है वो क्लीन होता है। हम लोग कोशिश करें हर 5-6 साल में एक बार ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं आज सर्विसिंग। तो हम लोग को सबसे पहले ये खोल लेना सब कुछ, उसके बाद इंजन फ्लक्स कैसे यूज करना है ये देखिए। सबसे पहले हम लोग इंजन का जहाँ से मोबिल डाला जाता है उसको खोल लेना है, और ये इंजन फ्लक्स ले लेना है। और इसको खोलने का आसान तरीका है दोस्तों, इसको पुल करना है और इसको हल्का सा और खींचना है ऊपर की तरफ, ये खुल जाएगा। और उसके बाद इंजन में ऐड कर देना है। हम लोगों को इंजन का मोबिल निकालने से पहले इंजन में इसको ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार से ऐड कर रहे हैं इंजन फ्लक्स को। इंजन फ्लक्स यूज इसलिए हम लोगों को करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे इंजन पूरा क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। जितना भी ब्लॉकेज हैं वो साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। दोस्तों मैंने इसमें ऐड कर दिया इंजन फ्लक्स, और इसको मैं अब सबसे लोएस्ट RPM पर, यानी कि लो RPM पर इंजन को स्टार्ट करके 5 मिनट तक छोड़ेंगे। इंजन फ्लक्स ऐड करने के बाद, इंजन फ्लक्स ऐड करने से हमारा इंजन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। जितना भी हम लोगों का मोबिल का सेंटर होता है वो क्लीन हो जाएगा, जिससे कि हमारा गाड़ी ना ओवर हीट होगा और ना ही ज़्यादा तेल खाएगा। तो हर 5 साल में एक बार ज़रूर इंजन फ्लक्स यूज करें। और मैं अभी ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और सबसे लोएस्ट RPM, यानी कि सबसे लो, कोई रेस नहीं देना है इंजन पे, ना ही कोई हैवी वर्क करना है, 5 मिनट तक के लिए चलते रहने देना है। तो अभी 42 हो रहा है, अब हम इनको 47 में बंद करेंगे। चलिए आगे भी कुछ काम है सर्विसिंग का, उसको करते हैं। तब तक हम लोग 5 मिनट के लिए इंजन को ऑन छोड़ देते हैं। चलिए आगे का वर्क देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मेरा आगे का हेडलाइट नहीं जल रहा है, तो सबसे पहले मैं कुछ हेडलाइट का काम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का बात हम लोग देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। देखिए मैंने हेडलाइट के लिए सबसे पहले आगे का जो बम्पर होता है उसे खोलना है, क्योंकि इसमें ही सारा हेडलाइट का वायर वगैरह होता है। तो चलिए इसको खोल के पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हो। हमको लगता है थोड़ा सा मिसिंग हुआ है वायर, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, तो फिर हमारा हेडलाइट लो बीम वाला जलने लगेगा। चलिए खोल के देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान बंधु, मैंने अपना हेडलाइट का जो भी फ्यूज है उसको डायरेक्ट कर दिया था, और अभी भी डायरेक्ट ही है। सबसे पहले मैं यहाँ जो कटा हुआ है उसको मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ से कोई प्रॉब्लम है। तो अभी तो मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसका जो ब्लॉकेज है, यानी जो भी ये फ्यूज वगैरह हैं, जो जहाँ से जॉइंटिंग होता है उसको एक बार टैग करके देखने पर शायद चालू हो जाए हम लोग का हेडलाइट। तो देखते हैं पहले क्या होता है दोस्तों, फिर आप लोग को बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी लो बीम पर अपना रेडिएशन ऑन किए, स्विच ऑन किए, देखते हैं कि आगे मेरा हेडलाइट क्यों नहीं जल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम अपना ये ब्लॉक को पहले दाब कर चेक कर रहे हैं कि क्या इससे हेडलाइट मेरा जल रहा है। तो अभी तक तो नहीं जला है दोस्तों, लेकिन देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। और इधर एक बार और अच्छे से इसको थोड़ा सा देख लें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लग रहा है कि यहीं से कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि लग रहा था मुझे। ये सारा ब्लॉकेज को मैं एक बार अच्छे से झाड़ के लगाता हूँ फिर से खोल के, तो देखिए क्या होता है दोस्तों। और ये मेरा स्विच का जो है उसे उस
वायर को मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले ये बड़ा वाला जो वायर देख रहे हैं जहाँ पर मेरा हाथ है वही स्विच का है। तो चलिए अच्छे से चेक करते हैं, फिर अब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ये तो छोटा सा मिस्टेकन है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, ये मेरा इंजन का टाइम 5 मिनट फूट गया। तो अब सबसे पहले इंजन को हम लोग बंद करेंगे, क्योंकि इंजन फ्लक्स कहता है कि मिनिमम आरपीएम पर, बिना कोई लेड के आरपीएम पर 5 मिनट चलाएं। और देखिए मैं इंजन बंद कर दिया हूँ। अब चलिए इसका मैं सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसा और क्या निकला। तो जैसा ये अपना नीचे का बोल्ट खोल लेना है दोस्तों। बोल्ट खोलने के बाद इसको अच्छे से इंजन ऑयल को गार लेना है, यानी कि नीचे निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है इंजन ऑयल जितना भी है। दोस्तों कोशिश करेंगे हम लोगों को कि इंजन के अंदर ज़रा सा भी ऑयल नहीं रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ओहो हल्का गिर भी गया दोस्तों, और बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत गंदा स्मेल कर रहा है दोस्तों, बहुत गंदा महक रहा है। एक बार ज़रूर करें फ्लक्स हर 5 साल 10 साल में, क्योंकि इंजन फ्लक्स करने से दोस्तों इंजन का लाइफ बढ़ता है, इंजन का लाइफ बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा। और ये देखिए मैं अपना हेडलाइट भी ठीक कर लिया दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलाइट अब लो बीम वाला जलने लगा है, क्योंकि वो मुझे जो लग रहा था वही था दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एयर क्लीनर खोल लिया है, और इसे मैं डीजल से थोड़ा साफ़ कर लूँ, क्योंकि एयर क्लीनर कभी भी दोस्तों साफ़ करना ही चाहिए। जब भी सर्विस करें अच्छे से एयर क्लीनर को साफ़ करें मोबिल में डीजल ऑयल डाल के। डीजल ऑयल डालने के बाद इसको क्लीन नेट एंड क्लीन कर ले, जैसे डीजल ऑयल ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद इसे साफ़ सुथरा कर रहे हैं दोस्तों। साफ़ सुथरा होने से हमारा इंजन का जो भी है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, नाक हम लोग को जो बोला जाता है, तो ये इंजन का नाक है, इसको अच्छे से पटक पटक के झाड़ झाड़ के साफ़ कर लें। नाक साफ़ रहेगा तभी दोस्तों ये अच्छे से अपना एयर कंज्यूम करेगा, इंजन एकदम स्मूथ चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अब हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा ऑयल डाल के इसका दोस्तों अंदर का जितना भी ऑयल है उसको गरने दे देंगे। देखिए जिस प्रकार से हम अभी 250-300 ml ऑयल डाल के सबसे पहले नीचे से गरने देंगे। ऊपर नीचे मेरा खुला हुआ है अभी भी चैम्बर, इसलिए खुला हुआ है दोस्तों ताकि वो जितना भी फ्लश वाला जितना भी उसमें ऑयल था वो नीचे गर जाए। और जैसा भी देख रहे हैं दोस्तों, अभी ने नीचे गार दिया है। अब इसको मैं बोल्ट को टाइट कर रहा हूँ। बोल्ट टाइट होने के बाद फिर से मैं इंजन ऑयल ऐड करूँगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों बोल्ट टाइट होने के बाद क्या करना है। बोल्ट टाइट हो गया, अब हम लोग इंजन ऑयल को सारा को ऐड कर लिए अच्छे से, और इसको अच्छे से बोल्ट को टाइट कर लेना है। अब ये देखिए इंजन ऑयल ऐड हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इंजन ऑयल ऐड मेरा ऐड हो गया। और ये मेरा, ये देखिए किस प्रकार से मैंने इंजन ऑयल को ऐड कर लिया, और इस प्रकार से आराम आराम से दोस्तों धीरे 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 ऐड करें, गिरे नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अब महंगा हो चुका है। अभी इंजन ऑयल हम लोगों को एम स्टार का लगभग 2500 रुपया पड़ रहा है, और मैं एम स्टार ही इंजन ऑयल यूज करता हूँ हमेशा। और ये मैंने इंजन का नाक यानी कि एयर क्लीनर को अच्छे से टाइट कर लिया, फिट कर लिया, और जैसा कि देख रहे हैं अच्छे से दोस्तों अच्छे से एकदम फिट करें, क्योंकि एयर क्लीनर में ज़रा सा भी गैप आएगा दोस्तों, ज़रा सा भी गैस आएगा तो लीकेज होने का चांसेज है, और गाड़ी हल्का फुल्का आपका कंज्यूम करेगा, डीजल ज़्यादा खाएगा, इसलिए एयर क्लीनर अच्छे से साफ बंद करें दोस्तों। अब जैसा देख रहे हैं दोस्तों कि अपना गाड़ी रेडी हो गया, और ये चलिए अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि इंजन अपना क्या कर रहा है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, एकदम भाकड़ आवाज़ की तरह, शेर की तरह दहाड़ता हुआ अपना महिंद्रा DI 475 साथ में मनकू का वर्क लेने के लिए रेडी है अपना ट्रैक्टर। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए दोस्तों अपना चैनल मनकू बिहारी को अवश्य सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।